मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मंगलवार को उम्मीदों का पिटारा खोला और बिहार के लिए तो मानो पूरा का पूरा खजाना खोल दिया। बजट में पेश करते हुए सीतारमण ने बिहार के दो प्रमुख धार्मिक स्थलों को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित करने की बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि गया में विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह धार्मिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। Comprehensive development of Vishnupad temple corridor and Mahabodhi temple corridor will be supported, modeled on the successful Kashi Vishwanath temple corridor to transform them into world-class pilgrim and tourist destinations. बता दें कि बिहार के गया स्थित यह विष्णुपद मंदिर काफी पुराना है। इस मंदिर में एक पद चिन्ह है जिसके बारे में मान्यता है कि ये निशान भगवान विष्णु के हैं, जिसके दर्शन के लिए यहाँ हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। गया और बोध गया को मिले इस सौगात के साथ साथ मोदी सरकार ने राजगीर और नालंदा में विकास के साथ साथ विरासत पर भी जोर दिया। वित्त मंत्री ने बिहार के मशहूर पर्यटन स्थल राजगीर पर बोलते हुए कहा कि वहाँ के होटल स्प्रिंग यानी गर्म पानी के कुंड को संरक्षित करने का काम किया जाएगा। उन्होंने नालंदा में पर्यटन को बढ़ाने पर काम करने पर भी जोर दिया। राजगीर होल्ड्स इमेंस रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैन्स। द 20th तीर्थंकर मुनीश्वरता टेम्पल इन द जैन कॉम्प्लेक्स, जैन टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज एंशियंट। द सप्तऋषि और द सेवन हॉट स्प्रिंग्स form a warm water Brahmkund that is sacred. A comprehensive development initiative for Rajgir will be undertaken. Our government will support the development of Nalanda as a tourist center, besides reviving Nalanda University to its glorious stature. बता दें कि एक दिन पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देकर केंद्र ने नीतीश सरकार को जो झटका दिया था, उसके 24 घंटे के अंदर ही बिहार पर सौगातों का बारिश करके मोदी सरकार ने नीतीश सरकार को साधने की कोशिश की। बता दें कि धार्मिक और विरासत के विकास के साथ साथ केंद्र सरकार ने बिहार के लिए कई हाईवे और एक्सप्रेसवे, साथ ही साथ बाढ़ से निपटने के लिए करीब 40,000 करोड़ का पिटारा खोल दिया है। गया बोध गया को मिले धार्मिक कॉरिडोर को सौगात को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट करके बताएं।